बंगाल में जो सरकारें रही उनके कुशासन ने आसानसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया, जहां लोग चाकरी के लिए आते थे आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। आसनसोल की प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए कोयला माफिया, नदियों की बालू को लूटने के लिए अवैध खनन माफिया, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए भू माफिया। साथियों, यहां सालनपुर, बाराबनी, जमुरिया, रानीगंज, उखड़ा, बल्लालपुर से लेकर बांकुड़ा बॉर्डर तक अवैध कोयला खनन का साम्राज्य फैला हुआ है। यहां का कोयला, रेत और दूसरे खनिजों को काला माल कहा जाता है। किस किस तक पहुंचता है ये हर कोई जानता है। बंगाल के ट्रक वालों को, ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को, यहां के उद्यमियों को जो बाइपो टैक्स देना पड़ता है वो भी बंगाल के लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, इस चुनाव में आपका एक वोट सिर्फ टीएमसी को साफ करेगा इतना ही नहीं है, बल्कि आपका एक वोट यहां से माफिया राज को भी साफ करेगा। आपको पता है आपकी वोट की ताकत क्या है? आपका एक वोट पूरे माफिया राज को यहां से सफा कर देगा। ये ताकत है आपके वोट की। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां दो बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबूलजी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी एक चौथाई लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? देखिए, तभी यहां से ये माफिया राज समाप्त होगा, ये माफिया शाही तभी समाप्त होगी। और भाइयों बहनों, मैं बंगाल में जहां गया हूं,
यही माहौल है। और उधर क्या है दीदी? ओ दीदी, देखिए दीदी, ओ दीदी, 2 मई में अब सिर्फ आधा महीना बचा है, आधा चुनाव हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन और, कोयला धुले मोयला जायना।